हाय गाइस, तो मैं भैया को चैलेंज कर रहा हूँ गोकार्ट के लिए। अरे चैलेंज वाली बात कहाँ से आ गई? अरे चैलेंज भैया, हमारी नैन से जाते हुए। नमस्ते। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सभी लोग? फिलहाल तो अभी आ चुका हूँ मैं लोकेशन पे। यहाँ पर आज हमारा प्री वेडिंग शूट है। किसका प्री वेडिंग शूट है वो तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि उन्होंने मना किया है। वो थोड़ा टॉप सीक्रेट में हम लोग प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, लेकिन पिछले ब्लॉग में मैंने बता दिया कि किसका प्री वेडिंग है। तो अगर आपको जानना है कि किसका प्री वेडिंग है तो आप लोग कल के ब्लॉग में जाओ कल का ब्लॉग देख लेना, ठीक है? बाकी आज BTS तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, और क्योंकि इसके सारे फोटोज़ वगैरह उनकी वेडिंग पे नज़र आएंगे तो फिर फ्रेश नहीं मिलेगा ना। तो फिर इसीलिए मैं अपन ऐसा करेंगे कि बस हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस वही दिखाएंगे, बस ब्राइड और ग्रूम को नहीं दिखाएंगे, ठीक है? तो आज हमारे साथ जाने माने फोटोग्राफर जिनका मैं कई सालों से पीछा कर रहा था, आज मिले हैं राजेश भैया। और इनको मैं करीबन 2 साल, मतलब कोविड के पहले से मैं आपको जानता हूँ, शिव भैया के साथ आप लोग काम करते हैं तब से, मतलब मैंने इनको देखा था। तो आज किस्मत मेरी ऐसी रही कि मैं आज इनके साथ काम कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। और ये हैं रायपुर के फोटोग्राफर साथ में, अरे भाई का नाम आकाश। ओके, बस अभी शूट स्टार्ट हो रहा है और मेरा औजार ये रहा, और विशाल है हमारे साथ। नमस्ते। नमस्ते। तो फिलहाल अभी हम आए हैं दूसरे लोकेशन पे शूट करने के लिए। वहाँ का बहुत अच्छा अच्छा फोटो आया, काश मैं आप लोगों को दिखा पाता, बट मैं 6 तारीख के बाद आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा सारे फोटोज़, धीरज सारे फोटोज़। ओके, तो फिर और क्या ही बोलूँ, यहाँ पे कुछ पानी वाला लोकेशन है तो यहाँ पर भी थोड़ा शूट करते हैं और फिर यहाँ से भी लोकेशन चेंज करेंगे, बस वही दिखाऊंगा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को लोकेशन तो मैं दिखाई दूंगा, ठीक है? तो हमारा अभी लंच हुआ है और अभी हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस से निकल के दूसरे लोकेशन पर जा रहे हैं। हालांकि एक बैंकरी वाली जीप आ रही है, उसको मैं आप लोग आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और वो जीप आ रही है, पता नहीं उसमें स्कूल के बच्चे लोग बैठे हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो ये एक दूसरा लोकेशन है, यहाँ पर हम लोग अभी शूट के लिए आए हुए हैं, यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। और इसको बोलते हैं ब्लू वाटर, हालांकि अभी सूरज उधर है ना, तो इधर कुछ भी कलर दिख नहीं रहा है, तो फिर बट इसको बोलते हैं ब्लू वाटर। और अभी हल्का मतलब उस साइड से दिखाऊंगा ना तो थोड़ा ब्लू दिखाई देगा, तो उधर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को ना। नैंसी जी, नैंसी जी, कैसी लग रही है जगह? पहली बार आए यहाँ पे, बताइए कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है यार, ये थोड़ा सा बोल के ख़त्म कर देती है यार, कुछ बोलती नहीं है। हाँ विशाल, विशाल कैसा लग रहा है जगह? ये पता है मेरे को ना जबरदस्ती उठा के लाए हैं अपने ब्लॉग में, पीछे वो ब्राइड और ग्रूम दिख जाते ना, इसलिए मैं तो इधर लेके आया हूँ। अच्छा, नहीं जगह तो अच्छा लग रहा है, खाली रहता है ना तो और अच्छा लगता है। तो इधर 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 से देखो, थोड़ा सा पानी ब्लू दिखने की कोशिश कर रहा है और हो जाएगा। और उधर उधर उस साइड के लोग थोड़ा अजीब ही दिख रहे हैं, अजीब इसलिए क्योंकि सब पानी में उनका शेडो बन रहा है। आई नो बहुत लोगों को पता चल गया है कि मैं प्री वेडिंग किसका करने के लिए आया हूँ, बट अभी एक्चुअली उस ड्रेस को हम लोग ऐसे दिखा नहीं सकते ना, तो इसलिए मैं उनको नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ का पानी ब्लू ब्लू तो है, अभी ऐसे कैमरे में सही में पता नहीं चल रहा है, बट है कलर तो है इसमें ब्लू टाइप का कलर। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। अरे कंप्लीट नहीं हुआ है ना। इनका काम अच्छा है यार, मतलब 2 घंटे काम करो उसके बाद दिन भर बिग बॉस। तो एक्चुअली मैं अभी आया हूँ अपने एक YouTube फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जो है गो कार्टिंग कैफ़े में, और उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर होती है रेसिंग, पता नहीं रेसिंग मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट देखते हैं, पहले तो उनसे मिलते हैं। हम आपको नमन से मिलाने वाले हैं। हाय गाइस, तो मैं भैया को चैलेंज कर रहा हूँ गोकार्ट के लिए। अरे चैलेंज वाली बात कहाँ से आ गई? अरे चैलेंज मतलब कन्वेंस अच्छा, कर रहा हूँ गोकार्ट के लिए। ओके ओके, और मैं तो बोल रहा हूँ फुल स्पीड चलाना, ड्रिफ्ट उठ भाई, बहुत मजा आती है दुबई दुबई सीन पूरा। अच्छा हाँ ना, तो यहाँ पे हम अभी गो कार्ट के ट्रैक पे हैं, देखते हैं। वैसे मन तो कर रहा है चलाने का, लेकिन बहुत स्मूथ ड्राइव करेंगे, ज़्यादा रफ ड्राइव मुझे आती नहीं है, बट ये भाई साहब ड्रिफ्ट करके दिखाने वाले हैं, कोशिश करूँगा। ये जिस तरह से चला रहे हैं ना, मेरे को तो डर लग जा रहा है, बट पहले मैं
धीरे धीरे चलाऊंगा, उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन चलाएंगे ज़रूर। तो पहले हम आप भैया इसको कौन सी गाड़ी बोलते हैं, इसको गाड़ी का नाम क्या है इसका? गो कटिंग बस वही बोलते हैं ना। तो जो भी ये हम आपको दिखा रहे हैं हम किस में राइड करने वाले हैं, तो वो ये है, हम इस पर राइड करने वाले हैं। इसमें चार टायर हैं, चार चक्के हैं और एक स्टेयरिंग है जिसमें एक बटन है, शायद गाड़ी स्टार्ट होती है, और एक पेट्रोल की टंकी है। लेफ्ट वाला ब्रेक है और राइट वाला जो है वो एक्सीलेटर है। तो बस यही है, इसको हम चलाने वाले हैं। थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है बट ये मेरे लाइफ का फिर पहला एक्सपीरियंस। ये देखो वो लाइफ में मैंने वो जो उड़ा था ना, क्या बोलते हैं उसको, मोटर ग्लाइडिंग, तो वो मेरा अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद अब ये मेरा एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, मतलब मैं उड़ रहा था हवा में, अब मैं दौड़ूंगा ज़मीन में, मतलब इस तरह से। तो एक नया एक्सपीरियंस है, ये कभी सोचा नहीं था करूँगा बट किस्मत ने नहीं, थैंक यू सो मच नमन। कहाँ गया नमन, उसने बुलाया मेरे को, अब उसी को थैंक यू बोलना पड़ेगा। साथ में नैन्सी आ रही है और धीरा जा रहे हैं। कैसा लग रहा है गाइज? अच्छा लग रहा है। चेहरे पे दिख रहा है डर। और थैंक यू सो मच नमन, आपकी वजह से मैं राइड करने वाला हूँ, है ना। और पता नहीं एक्सपीरियंस बताना मेरे को, अभी एक्सपीरियंस क्या बोलूँ मैं, अभी आ जाएगा। देखो भाई मजाक में भी ना सेफ्टी जरूरी है, तो हमने हेलमेट पहना अच्छा वाला, और इथन की याद में हमने ये हेलमेट पहना है, और मैं इसको चलाने वाला हूँ। और ये तो गया भाई, गया तो डर के मारे कांप रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थैंक यू सो मच नमन मुझे यहाँ लाने के लिए। लेकिन अच्छे से करेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम ना रेस करें तो ट्रायल था ना। ठीक है नेक्स्ट टाइम एलपी खेलेंगे एक बार, बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नॉट क्या बोलते हैं उसको, रेस लगाएंगे। बाकी एकदम सेफ है, गाड़ी पलटती नहीं है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैं फिर से ये ट्राई करना चाहूँगा, अभी तो मैंने सीखा ही बस। अभी गया है धीरज और मेरा भी वैसे ही हुआ था। धीरज का गाड़ी थोड़ा ख़राब हो गया, शायद वो मेरी गाड़ी में बैठा है। एक नंबर है क्या? दो नंबर है। ओके मेरी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई थी तो, बट ओके। नैन्सी जा गई है, अभी देखते हैं भैया हमारी नैन्सी जाते हुए। और अभी हमारे सामने धीरज आ रहे हैं फटफटी गाड़ी चलाते हुए, ये दे। डांसिंग जी कैसा लगा एक्सपीरियंस? मजा आया? कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ी देर बाद बोलूं तो चलेगा? अभी हार्टबीट बढ़ी हुई है, ये तो धीरा है। दिन भर के शूट के बाद अभी आए हैं अशोका बिरयानी, धीरज को छोड़ दिए हैं, और विशाल, मैं, नैन्सी और छोटी, हम लोग आए हैं खाने के लिए। यहाँ पे हम लोग बिरयानी खाएंगे, उसके बाद फिर विशाल को भी ड्रॉप करना है, फिर नैन्सी, छोटी, मैं जाएंगे बिलासपुर। तो अभी पहले जाते हैं बिरयानी खाते हैं अशोका बिरयानी में, चलो। छोटी बिल पे कर रही है, कुछ नहीं। अच्छा खाना था, टेस्टी खाना था, बहुत सारा खाना खाया। उसके बाद तो ऐसा हो गया कि यार मैं ना अभी गाड़ी चला पाऊंगा नहीं पाऊंगा, अभी तो बहुत दूर भी जाना है, वापस बिलासपुर जाना है ड्राइव करके। ऐसा करूंगा कि यार अब नैन्सी जला दूंगा, नहीं बट हाईवे है, किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, जब तक नींद ना आए तब तक तो मैं ही चलाऊँगा।